हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये आपके सामने देख पा रहे होंगे, ये कुछ बैंगन के ये सैपलिंग्स है, देख पा रहे होंगे, जो कि बहुत ही मैच्योर है, देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये मैं आज नर्सरी से पौधे कुछ लेकर आया हूँ। ये 5 बैंगन के पौधे को मेरे को 10 रुपये पड़ा। और दोस्तों, ये जो नर्सरी वाले मेरे को 2 वाइट कलर के बैंगन बोल के दिए हैं और 3 ब्लैक कलर के बैंगन बोल के दिए हैं। तो दोस्तों, ये भी बहुत ये सैपलिंग्स बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो गए हैं, देख पा रहे होंगे, रूट्स भी अच्छी तरीके से डेवलप हो गए हैं। तो दोस्तों, आज हमारे ये गार्डन में मैं बैंगन के पौधे उगाने वाला हूँ। तो दोस्तों, बैंगन के लिए कौन सा मिट्टी आपको प्रस्तुत करना है और कैसे इसको लगाने से बहुत ही अच्छे तरीके से आपके छत के ऊपर भी बैंगन हो सकता है, उसी के ऊपर मेरा ये वीडियो है। तो दोस्तों, जो कोई भी हमारे चैनल में नए आए हैं, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, इसको लगाते हैं। पहले इसके लिए मिट्टी प्रस्तुत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये कार्टून में, बड़ा कार्टून में मैं 5 पौधे एक साथ लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं कुछ मिट्टी निकाल दिया हूँ और मिट्टी को, नीचे वाला जो मिट्टी है, पूरी तरीके से हल्का कर दिया हूँ, क्योंकि रूट स्ट्रक्चर अच्छा होने के लिए। और उसके बाद आप ये जो बैंगन के पौधे जब भी लगाते हैं, नीम के एक फर्टिलाइज़र या कोई भी फंगिसाइड वगैरह इस्तेमाल तुरंत ही कीजिए, क्योंकि बैंगन के पौधे जो होते हैं उसका रूट स्ट्रक्चर बहुत ही अफेक्टेड होता है। जो फंगस वगैरह का अटैक होता है, उसका स्टेम वगैरह सारा खा देते हैं बैंगन के पौधे को खास करके। इसलिए ये कंपलसरी है, आप यूज इसको ज़रूर कीजिए। नीम में देख पा रहे होंगे, ये नीम का पत्ता को मैं सुखा के इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए, पहले मैं अच्छे तरीके से एक लेयर पूरा नीम का पत्ता दे दिया हूँ, उसके बाद मैं काउडंग कंपोस्ट देने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से डिकम्पोस्ट हुआ काउडंग मैन्योर है, देख पा रहे होंगे। आप जब भी काउडंग कंपोस्ट लेते हैं, पूरी तरीके से डिकम्पोस्ट हुआ, अच्छे तरीके से पुराने वाले लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। ये देख पा रहे होंगे, ये पूरी तरीके से डिकम्पोस्ट हो चुका है। आप चाहे तो काउडंग के बदले वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। ये दोनों चीज़ आप मिलाकर मिट्टी को अच्छे तरीके से प्रस्तुत कीजिए। हले दोस्तों, ये देखिए, हमारा ये वर्मी कंपोस्ट है, जो कि हमारे घर में से निकलता जो वेजिटेबल वेस्ट और लीफ कंपोस्ट से बना हुआ है, इसको भी मैं कुछ इसमें मिलाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये हम तीनों चीज़ मिलाए, एक है हमारा नीम का फर्टिलाइजर पत्ता और काउडंग कंपोस्ट, और ये हमारा घर में बना हुआ वर्मी कंपोस्ट। पूरी तरीके से आपको ऑर्गेनिक वे में जाना है, क्योंकि हम जब छत के ऊपर लगा रहे हैं वेजिटेबल्स, सारा वेजिटेबल्स हम ऑर्गेनिक वे में ये करेंगे। और अच्छे तरीके से इसको मैं मिट्टी में मिला दे रहा हूँ। दोस्तों, ये अच्छे तरीके से हमारा सॉइल प्रिपेयर हो गया है। अभी मैं जो सॉइल निकाल के रखा हुआ था, उसको इसके ऊपर डाल दूंगा। कथा ना देख। तो दोस्तों, आप जब भी पौधे को लगाते हैं, मिट्टी के अंदर इतना तक इसको डाल दीजिए, क्योंकि पौधे का स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। देख पा रहे होंगे, पूरा हाफ तक इसको मिट्टी के अंदर डाल दीजिए। दोस्तों, आपको ये बैंगन के पौधे लगाने के बाद ये 15 दिन आपको इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड दोनों को अच्छी तरीके से बैंगन के पौधे में स्प्रे करना है, क्योंकि बैंगन के पौधे में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फंगस का अटैक होता है। उसके स्टेम के अंदर भी फंगस इंसेक्ट घुसकर उसका स्टेम को कमज़ोर कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा पौधा मर जाता है। इसलिए ये ट्रीटमेंट करना अत्यंत आवश्यक है बैंगन के पौधे में। तो देखिए, मैं अच्छे तरीके से मिट्टी प्रस्तुत करके इसको
लगा दिया हूँ। इसको लगाने के बाद अच्छे तरीके से वाटरिंग कर देना है, जैसे पौधे स्ट्रेस में ना जाए। और आप जब भी कोई सैपलिंग्स लगाते हैं उसको शाम के वक्त ही लगाए, क्योंकि वो जैसे धूप में लगाते हैं तो पौधे स्ट्रेस में जाकर मरने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो दोस्तों शाम के वक्त ही लगाएं। और दोस्तों हमारे यहाँ बहुत ही दो दिन हो गए रेनी वेदर चल रहा है, तो पौधे को अच्छी तरीके से सेटल होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।